गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। चलिए आज हम घर में मटके वाली आइसक्रीम बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। नमस्कार, स्वातीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम मटके वाली मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। उसके लिए हमने बादामी आम, दो बड़े बड़े बादामी आम ले लिए हैं और अमूल का फ्रेश क्रीम ले लिया है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एक कप कंडेंस मिल्क लिया है और पिस्ता के छोटे छोटे टुकड़े बारीक काट के गार्निश करने के लिए रख लिया है। अब हम मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। हम आम को अच्छे से धो के काट के छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सर जार में रख लिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने आम का फाइन पेस्ट बना लिया है, हमको ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क और अमूल फ्रेश क्रीम डाल के फिर से मिक्सर में चला लेंगे। हमारे आइसक्रीम का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको मटकी में रख के जमाना शुरू करते हैं। अब हम पिस्ते के टुकड़े से ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब हम केसर के धागे को भी एक दो इसके ऊपर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अन्यथा इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सभी मटकियों को फॉइल पेपर से रैप कर देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे ताकि आइस के क्रिस्टल आइसक्रीम के ऊपर ना जमे। अब हम इस सारी मटकियों को डीप फ्रीजर में ओवरनाइट रख देंगे। आइसक्रीम को हमने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम गई है। अब हम इसको चम्मच से निकाल के दिखाते हैं। आइसक्रीम का मिक्सचर थोड़ा सा बच गया था तो हमने उसको आइसक्रीम मोल्ड में रख दिया था। देखिए, ये इसमें भी बहुत अच्छे से आइसक्रीम हमारी जमी है। तो आप भी इसी तरीके से आइसक्रीम मोल्ड में आप जमा सकते हैं, ग्लास में भी जमा सकते हैं।